रश्मि घर के अंदर गई और एक छोटी कढ़ाई लेकर आई। रश्मि ने तवा हटाकर कढ़ाई चूल्हे पर रख दी और फिर उसमें डोसा का आटा डाला और कढ़ाई को हिलाकर आटा फैला दिया और फिर डोसे के पकने का इंतजार करने लगी। जैसे ही डोसा पक गया उसने वो डोसा निकाल कर प्लेट पर रख दिया और उसमें चटनी और सांबर डाल दिया। ये देखो कढ़ाई डोसा। वाह, ये कितना अलग दिख रहा है और स्वाद भी अलग होगा, खाओ। विष्णु वो कढ़ाई डोसा खा ही रहा था कि वहाँ दो लड़के आए। मुझे भी ना एक ऐसा ही डोसा देना, मुझे भी। रश्मि ने एक एक करके दो डोसे बनाए और दोनों को दे दिए। अच्छा है, वैसे इसे बोलते क्या है? कढ़ाई डोसा।